पर्सन सेज एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग जनरल रूल, तो अगेन आपको राउंड ऑफ करना है. अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि नियरेस्ट क्या करना है, तो हम लास्ट प्लेस वैल्यू देखेंगे, हम उसके अकॉर्डिंग राउंड ऑफ कर देंगे. लाइक 578 विल गेट कन्वर्टेड टू 600 एंड 161 विल गेट कन्वर्टेड टू 200. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई दीज बोथ दी नंबर्स, आई गेट 12 एंड 40. सो दिस इज गोइंग टू बी द एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. नाउ 5281 मल्टीप्लाई बाय 3491, तो हमारा 5281 विल गेट कन्वर्टेड टू 5000 एंड आवर 3491 विल गेट कन्वर्टेड टू 3000, बिकॉज फोर प्लेस फोर डिजिट फाइव से छोटी होती है. तो विल मल्टीप्लाई बोथ दिस नंबर, 5 3 15 एंड 6 0. सो दिस इज आवर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट फॉर बी पार्ट. नाउ द थर्ड पार्ट, 1291 मल्टीप्लाई बाय 59. एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पर ऊपर फोर डिजिट्स हैं और नीचे थ्री डिजिट्स हैं, तो हम हमेशा कॉमन लेकर चलेंगे. लाइक अगर नीचे मेरी थ्री डिजिट है, तो आई विल राउंड इट ऑफ टू हंड्रेड्स प्लेस. ऐसे ही अगर ऊपर फोर डिजिट हैं, तो आई विल राउंड ऑफ टू हंड्रेड प्लेस ओनली, नॉट थाउजेंड्स प्लेस. तो यहाँ पर मेरा नंबर हो जाएगा 1300 और 592 विल गेट कन्वर्टेड टू 600. नाउ आई विल मल्टीप्लाई 1300 विद 600, तो दिस विल बिकम 7800 एंड 40. दिस इज माय एस्टिमेटेड प्रोडक्ट. नाउ 9250 एंड 29. अब हम देख सकते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर हमारा टू प्लेस का नंबर है. यहाँ पर आपका स्मॉलेस्ट नंबर आपका टू डिजिट का नंबर है, तो हम उसको टेंथ प्लेस तक ही राउंड ऑफ करेंगे. तो फर्स्ट नंबर हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 9250 में ही रहेगा, बिकॉज ये जीरो जो है फाइव से छोटा होता है. देर विल बी नो चेंज इन दिस फाइव डिजिट, देर विल बी नो चेंज इन डिजिट 5, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. अब 29 में जो है वंस प्लेस पर डिजिट है 9, वो 5 से बड़ी है, तो 2 में प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस नंबर विल बिकम 30. तो विल मल्टीप्लाई 9250 विद 30, सो द आंसर विल बी 277500. सो दिस इज आवर एस्टिमेटेड प्रोडक्ट.